चीन की शव यात्रा निकाल जलाया पुतला। लद्दाख चीन बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों के साथ की गई दरिंदगी के विरोध में आज हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चीन के पुतले की शव यात्रा निकालते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। हाल ही में लद्दाख चीन बॉर्डर पर चीन की सेना ने धोखे से भारतीय सेना पर आक्रमण करते हुए 20 सैनिकों को शहीद कर दिया था। धोखे से किए गए इस हमले में कई सैनिक घायल भी हुए हैं। इस हमले के बाद से देश के लोगों में गुस्सा है, जिसके चलते लोग अपने अपने ढंग से चीन का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुरादाबाद स्थित दिल्ली रोड पर हिंदू समाज पार्टी के युवा मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जमा होकर चीन के पुतले की शव यात्रा निकाली और चीन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतले को आग के हवाले कर दिया। इस शव यात्रा में युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रियांशु जोशी सबसे आगे हंडिया लेकर चल रहे थे। चीन का पुतला जलाने के बाद उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की कि वो चीन पर हमले के लिए हिंदू समाज पार्टी के युवाओं को एक बार मौका दें। आज हिंदू समाज पार्टी युवा मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश रंजीत चौहान जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे बुलाया गया और मैं अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल हकीकत में धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने कार्यक्रम किया है, चीन के लिए हमने, हमारी युवा टीम ने क्लियर कहा है कि अगर केंद्र सरकार हमें आदेश दे तो हमारी युवा शक्ति तत्काल प्रभाव से चीन में जाने को तैयार है। अगर वो हमारा एक मारेंगे तो हमें 1000 मारने के लिए हम तैयार। अच्छा, आज ये आपने क्या किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है चीन का, जैसे कि लोग बाग टीवी जला रहे हैं, आपने किस तरीके से वो इसका विरोध किया है? हमने आज इसकी शव यात्रा निकाली थी, जूतों के हार पहना के, और इसकी जो अस्थियां होंगी, जो इसकी अस्थियां होंगी उसको उठाकर अभी हम उस गंदे नाले में प्रवाह करेंगे, वो भी हम आपको साक्षात दिखाएंगे। और महिला मोर्चा, हमारा युवा शक्ति, सभी के सब इस कार्यक्रम के बहुत बहुत धन्यवाद हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगाई।